दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या क्लिक कीजिए। हेलो व्यूअर्स, लेके आया हूँ मैं फिर से एक प्यारा सा डिज़ाइन, जिसमें आज आपको मैं बताने वाला हूँ ब्लाउज के बैक में प्लस बनाना है। प्लस बना के उसमें हमको मोती और लेस अटैच करना है। ये डिज़ाइन आपको मैं बना के बताऊँगा। दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए दोस्तों, हमने जो है ब्लाउज के बैक गले को हमने कट कर लिया है। इसको कट करने के बाद जो दोस्तों इसकी लंबाई जो हमने दिए हैं, गले की लंबाई जो दिए हैं, ये 10 इंच दिए हैं और 4 इंच की चौड़ाई है। ये हमने जो है दोस्तों वाइट पेपर लिए हैं, इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो दोस्तों बैक को इस तरह से यहाँ पे बैठा देना है। बैठाने के बाद जो दोस्तों इसके गुलाई में हमको पेपर को कट कर लेना है। यहाँ पे भी कट कर लेंगे। इसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे हमको 1.5 इंच पे निशाने लगाना है इस तरह से। दोस्तों हमको यहाँ पे गोलाई कर लेना है। अब जो दोस्तों यहाँ पे गोलाई करके हमको कट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद जो दोस्तों उसके बाद जो दोस्तों हमने जो 1 इंच की रेड कलर के कपड़ा इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये दोनों तरफ से हमको फोल्ड कर देना है। इस तरह से नाखून लगा लेना है। नाखून लगाने के बाद जो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हमको मिडिल में एक बार और फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। सिलाई जो है दोस्तों हमको दोनों किनारे पे लगाना है, दोनों साइड में लगाना है। एक साइड में हमने लगा लिया और इस साइड में भी हमको लगाना है। दोस्तों अब हमको इसको 1.5 इंच कट करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो 1.5 इंच कट कर लिया है, उसके बाद जो दोस्तों अब हमको ये देखिए दोस्तों हमने जो है प्लस बना लिया है। देखिए इस तरह से हमने मिडिल में सिलाई लगा लिया है। इसी तरह हमने सिलाई लगा लिया है, कितना प्लस बना लिया है। प्लस बना लेने के बाद जो है दोस्तों अब हमको उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसको अटैच करना है। इसी तरह से दोस्तों सबको बैठा के यहाँ पे सिलाई लगा लेना है हमको। ये देखिए दोस्तों, हमने जो है सबको बैठा के अटैच कर दिया है, सिलाई लगा लिया है। उसके बाद जो दोस्तों अब हमको इसके किनारे में ब्लैक कपड़ा अटैच करना है। ये हमने जो है बचे हुए कपड़े को लिया है। बचे हुए कपड़े को जो दोस्तों अब हमको तिरछा करके कट करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो है इसको बैठा के सिलाई लगा लिया है। उसके बाद जो दोस्तों अब हमको इसके साइड में कट लगा देना है। इस तरह से हमको उल्टा साइड इसको मोड़ देना है। मोड़ने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाना है यहाँ बराबर। ये देखिए दोस्तों, हमने जो है इसको रेडी कर लिया है। इसमें सिलाई लगा लिया है। इसको सिलाई लगा लेने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हमको यहाँ पे बैठा देना है। बैठाने के बाद जो है दोस्तों वो सिलाई लगा लेना है। तो उससे पहले जो है दोस्तों सबसे पहले हमको यहाँ पे इस तरह से नाखून लगा लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो इसमें नाखून लगा लिया है। नाखून लगा लेने के बाद जो दोस्तों हमको यहाँ पे इसको इस तरह से बैठाना है। बैठाने के बाद इसको सीधा करके यहाँ पे बैठाना है। बैठाने के बराबर सिलाई लगा लेना है हमको।
ये देखिए दोस्तों, हमने जो पूरा अटैच कर दिया है, बैठा के सिलाई लगा लिया है। उसके बाद जो दोस्तों, अब हमको यहाँ पे जो है लेस अटैच करना है इसमें। ये देखिए दोस्तों, हमने जो एक साइड में लेस अटैच कर दिया, उसके बाद जो दोस्तों हमको इसी तरह से इस साइड में भी लेस अटैच करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो दोनों साइड में लेस अटैच कर दिया, उसके बाद जो दोस्तों अब हमको यहाँ पे जो है पेपर को निकाल देना है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, हमने जो है पेपर को निकाल दिया। पेपर को निकालने के बाद कितना नाइस लुकिंग आया दोस्तों। अब इसमें जो है अब हमको मोती अटैच करना है। हमने जो है दोस्तों वाइट लेस लगाया, उसके बाद जो दोस्तों अब हमको यहाँ पर मिडिल में वाइट मोती अटैच करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो वाइट मोती लिया है, हमको यहाँ पर इस तरह से अटैच करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो एक मोती अटैच करके दिखा दिया है दोस्तों, अब हमको सब में मोती अटैच कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो है सब में मोती अटैच कर दिए हैं। मोती अटैच करने के बाद जो दोस्तों, देखिए कितना नाइस लुकिंग आया दोस्तों। दोस्तों डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़।